नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट रिलेटेड कोविड कॉम्प्लिकेशंस और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर प्रसाद भांगे। डॉक्टर प्रसाद भांगे MDS ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। आइए मिलते हैं डॉक्टर प्रसाद भांगे। वेलकम सर, वेलकम टू अवर शो सरल बात। सर एस थैंक वी यू। आर सीइंग अराउंड अस कि कोविड बहुत ज्यादा जोरों से फैला हुआ है और बहुत सारे लोग हैं जो रिकवरी के बाद बहुत कमजोरी महसूस कर रहे हैं और दूसरे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है सर कि पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो क्या हैं और क्यों होते हैं और उसके सोल्यूशंस क्या हैं। पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं वो कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। अभी इसमें सबसे मेन जो है ये मायोपैथी या मस्कुलर पेन या वीकनेस। वीकनेस ये जो है ये काफी लोगों में या माइल्ड सिम्टम्स रहेंगे कोविड के या सीरियस सिम्टम्स रहेंगे कोविड के, ये दोनों प्रकार के लोगों में वीकनेस ये एक कॉमन फाइंडिंग रहता है। काफी समय तक एक रूम में या एक कक्ष में रहते हैं, इनका लोगों से कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया रहता है, उसके वजह से डिप्रेशन ये एक बहुत समस्या या गंभीर समस्या है जो ये कोविड पेशेंट्स में हमें दिख रही है। नींद ना आना, जॉइंट पेन होना, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी इन लोगों में कुछ कुछ दिखते हैं। ये नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस है। अगर यदि कुछ लोगों में बहुत सीरियस प्रकार का कोविड हुआ है तो फिर उनमें ये जो सिम्टम्स है या ये जो कॉम्प्लिकेशंस दिखती है वो ज्यादा दिखती है। और अभी एक कॉम्प्लिकेशन वो म्यूकोरमाइकोसिस नाम की एक बीमारी है, वो काफी लोगों में देखी जा रही है। इसके लिए हमें पॉजिटिविटी बहुत मेंटेन करनी है। वन शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद हिज क्लोज कॉन्टैक्ट्स और लव्ड वंस। तो यदि उनके रिलेटिव्स फोन पे बात करें, उनका हाल जान ले, तो वो डेफिनेटली थोड़ा बेटर फील करेंगे। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग, गाइडेड मेडिटेशन एंड योगा, ये चीजों से भी डिप्रेशन ओवरकम करने में हमें मदद हो सकती है। अभी रिकवरी को कितनी समय लगता है? अभी ग्रॉसली या मोटे तौर पर हम लोग दो टाइप में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है कि माइल्ड केसेस जो कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट रहेंगे या जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स होम क्वारंटाइन रहेंगे। ये पेशेंट्स में देखा जाए तो 2 से 3 वीक में इनकी रिकवरी कंप्लीट होती है। दूसरा एक ग्रुप रहता है जिनमें सीवियर सिम्टम्स रहते हैं, मतलब सांस लेने में तकलीफ होना, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होना, काफी समय तक बुखार रहना, और ये लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। कई बार इनको इंजेक्शन रेमडेसिविर, हाई डोजेस ऑफ स्टेरॉइड या फिर इंजेक्शन टोसी या हेवी एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत पड़ सकती है। तो इन लोगों को रिकवरी होने में कभी कभी 8 से 12 हफ्ते भी लग सकते हैं। इस दौरान कुछ माइल्ड सिम्टम जैसे कि वीकनेस, जॉइंट पेन, हेडेक ये रह सकते हैं। इसमें हमारे हाथ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा डाइट, एक संतुलित आहार हम लोग ले। अभी संतुलित आहार की यदि हम परिभाषा देखें तो उसमें क्या हो सकता है? एक है प्रोटीन रिच डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, काफी मात्रा में हम फ्रूट्स का सेवन करें, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ले एंड जंक फूड को अवॉइड करें, और टिंड या कैंड फूड जो है जैसे रेडीमेड हम लोग कहीं बाहर से होटल से शॉप से मंगाए वो हम लोग अवॉइड करें। अभी फ्रूट्स में हम लोग देखें तो नॉर्मली वो फ्रूट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जिससे हमें विटामिन सी मिले, विटामिन ए मिले, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मिले। अभी कोई भी डाइट, वो फ्रूट रहे, दाल चावल या ऐसा किसी प्रकार का डाइट रहे, तो हमारा एम ये है कि हमारा रेजिस्टेंस या इम्यून सिस्टम उसको बिल्ड करे। विटामिन डी जो एक समय तक काफी जिसका महत्व अधोरेखित नहीं हुआ था, आज काफी स्टडीज ने ये बताया है कि विटामिन डी से हमारा इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग होता है। विटामिन सी काफी लोगों को दिया जाता है 75 to 90 mg ये डोज में, ताकि उनका इम्यून सिस्टम या रेजिस्टेंस पावर बिल्ड हो। अभी ये फ्रूट्स में विटामिन सी के सोर्सेस हम लोग देखें तो क्या हो सकते हैं? आंवला, ऑरेंज,
अपार्ट फ्रॉम दिस गुआवा है, ग्रेप्स है, कीवी, पपाया, वाटरमेलन, मैंगो, किसी भी प्रकार का फ्रूट ले सकते हैं दिन में एक या दो बार का जूस का भी हम लोग सेवन कर सकते हैं। फ्रूट जूस किसी को अच्छा लगता है, किसी को मिल्कशेक अच्छा लगता है तो हम लोग वो ले सकते हैं। स्मूदी प्रिपरेशन जैसा रहता है वो हम लोग दे सकते हैं। इससे हम लोग वेल हाइड्रेटेड, मतलब बॉडी में जब पानी की मात्रा एक्यूरेट रहती है या जो रिक्वायर्ड है वो रहती है तो हम लोग अच्छा फील करते हैं। अभी वेजिटेबल्स में हम लोग देखे तो मोटे तौर पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का हम लोग उन्हें प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इसमें कौन से है, स्पिनेच है, ब्रोकोली है, पंपकिन है, बीन्स है, बीटरूट है, गर्ड की वेराइटीज है जैसे स्नेक गर्ड, रिज गर्ड। और वेजिटेबल्स बनाते समय हम लोगों ने वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करना चाहिए। वेजिटेबल्स को यदि हम लोग ओवर कुक करते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिशन रहता है या जो अत्यावश्यक जीवन सत्व रहते हैं वो हमारे शरीर को नहीं मिलते। तो ये एक हमने ख्याल में रखना है कि डोंट ओवर कुक द वेजिटेबल्स। अभी कुछ एडिटिव्स भी हम लोग डाल सकते हैं जैसे कि जिंजर है, गार्लिक है, ब्लैक पेपर, सिनेमन, बेसिल लीव्स। ये हम लोग क्यों यूज करते हैं कि इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी वायरल फंक्शन है। ये सब चीजें भी हमें रिकवरी में काफी उपयोग करती है, पर्टिकुलरली वीकनेस में। ड्राई फ्रूट्स का हम लोग सेवन कर सकते हैं, दिन में एक या दो सर्विंग्स ड्राई फ्रूट की कर सकते हैं क्योंकि वो प्रोटीन, जिंक और विटामिन ई का एक उत्तम जरिया या सोर्स है। एक चीज जो ये कोई भी इंफेक्शन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। इम्यून सिस्टम यदि आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप में रेजिस्टेंस पावर अच्छा रहेगा और कोई भी डिसीज एक बहुत सीवियर स्टेज तक प्रोग्रेस नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास प्रोबायोटिक का एक ऑप्शन है, च्यवनप्राश या फिर मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन में हम लोग विटामिन ए, विटामिन ई, जिंक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इनका उपयोग कर सकते हैं ताकि अपार्ट फ्रॉम द डाइट वी गेट सम एडिशनल मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स विच हेल्प अस इन रिकवरी। खाने में मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट होना चाहिए क्योंकि ताकि हमको कुछ एनर्जी मिले। एक स्टडी से ये पता चला है कि जो लोगों को COVID-19 इन्फेक्शन हुआ रहता है यदि वो इसके बाद अपना टूथब्रश चेंज करे तो ये अच्छा बेटर है क्योंकि जब मुंह में भी बैक्टीरिया वायरस रहते हैं तो वो इन्फेक्शन कैरी फॉरवर्ड होने का पॉसिबिलिटी रहता है। इसके लिए इट इज बेटर कि हम लोग कोविड से कंप्लीट रिकवरी के बाद हमारा टूथब्रश डिस्कार्ड कर दे एंड नया टूथब्रश इस्तेमाल करें। अभी एक बीमारी जो काफी कोविड पेशेंट्स में देखी जा रही है, पर्टिकुलरली वह पेशेंट्स जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहते हैं, मतलब जो लोगों में सहनशीलता कम रहती है कि जो पेशेंट्स डायबिटीज है, जो पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है, जो पेशेंट को बहुत ज्यादा डोज ऑफ स्टेरॉइड्स दिए गए हैं, उनमें म्यूकोर माइकोसिस नाम का एक इन्फेक्शन होता है। ये म्यूकोर माइकोसिस इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या है, इसमें नॉर्मली लोगों को साइनस में दर्द होना, हेडेक होना या दांत में दर्द होना, ये शुरुआती स्टेज में देखा जाता है। और यदि इसको उचित समय में ट्रीट नहीं किया गया तो ये हमारे साइनस में आंखों के पास भी फैल सकता है और काफी एक्सटेंसिव सर्जरी, मतलब जबड़े का पोर्शन निकालने की भी हमको जरूरत पड़ सकती है। बट ये काफी बड़ा टॉपिक है, इसके लिए हमको एक कंप्लीट दूसरा एक सेशन ऑर्गेनाइज करके फिर हमें करना पड़ेगा। बट आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पेशेंट्स COVID-19 से रिकवर होते हैं वो रिकवरी के बाद एक बार ENT डॉक्टर, एक बार दांत के डॉक्टर, इनका अवश्य एक चेकअप इनके पास करा ले क्योंकि यदि उनको कुछ म्यूकोर माइकोसिस के साइंस लगते हैं तो वो शुरुआत की स्टेज में ही उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। जो भी आज हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप हमसे कनेक्टेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, थैंक यू।